लेकिन मेला अभी तक खत्म नहीं हुआ। शाम शाम का समय है, लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर फ्रूट वाला लक्ष्मी का घट मिल जाएगा यहाँ पर, देखो गुड लक। ये फ्रूट है लेकिन यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर देखो राम भगवान का मूर्ति बना हुआ है, देख लो कितना विशाल का मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है। देखो जिंदा रहते हो यहाँ पर, ये यम है हम। टिकट है, टिकट घर है, मात्र 10 रुपये टिकट है, देखो टिकट घर है। गुजिया गुजिया बोलते हैं हम लोग, अब लोग क्या बोलते हैं देखो। हमने देखो लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला के ऊपर भी चढ़ेंगे पूरा। देखो तीन नदियों का संगम, राजीव मेला कहते हैं इसको, देखो। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड आज का ब्लॉग ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैं रहता हूँ रायपुर और है ना, मैं अभी जा रहा हूँ राजीव। अनु की मम्मी भी जा रही है, सिस्टर भी जा रही है, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। देखो ये मेरा मोटरसाइकिल है, दिखा दो, ये मेरा मोटरसाइकिल है। और निशांत बाबू भी जा रहे हैं, देखो इधर निशांत बाबू भी यहाँ पर देखो सो गया है। और अभी ना मैं जाऊँगा, अभी जस्ट मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, माना जस्ट मेरे पीछे माना है। तो माना के यहाँ पर बोर्ड देखो, बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। मैं अभी है ना धमतरी रोड जाऊँगा, धमतरी रोड से यहाँ से मैं जाऊँगा राजीव। और बस जस्ट यहाँ से 15 से 20 मिनट का दूरी है, मतलब रायपुर से राजीव 47 किलोमीटर दूर है। और आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, पूरा मतलब कहाँ कैसे जाएंगे। तो माना से मैं बस आ चुका हूँ और अभी जाएंगे, धमतरी रोड में जाएंगे, पूरा दिखाऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही बढ़िया होगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना। थैंक यू, चलिए घुमाते राजीव। तो दोस्तों देखो अभी है ना नया रायपुर दिख रहा होगा, जगदलपुर, धमतरी, भोपाल पटना, विशाखापटना। अभी हम लोग सीधा जाएंगे, धमतरी रोड है ये, धमतरी रोड से सीधा जाएंगे। तो यहाँ पर है ना माना जस्ट मैं पीछे, यहाँ से है ना कच्चा रोड है ना, माना पीछे जस्ट माना है। अभी मैं माना होते हुए नहीं जाऊँगा, अभी यहाँ पर नया रोड बना है अभनपुर के होते हुए जाऊँगा। देखो ये हाईवे, नया हाईवे बना है, तो चलिए चलते है। रेलवे ब्रिज यहाँ पर बन चुका है, देखो पूरा रेलवे लाइन है अभी है ना। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ अभनपुर, ये है ना अभनपुर है जो रायपुर से जस्ट अभनपुर है ना 12 से 13 किलोमीटर दूर है। तो अभी अभनपुर पहुंच चुका हूँ और मैं अभी जाऊंगा राजीव। तो जस्ट मेरे पीछे ही राजीव का रोड है, और यहाँ पर आप इस तरफ मुड़ जाओगे, जैसे लेफ्ट मुड़ जाओगे तो यहाँ पर आप धमतरी रोड है, सीधा धमतरी रोड है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ ना अभनपुर पहुँच चुका हूँ, और मेरे को जाना है राजीव, आप लोगों के लिए राजीव मेला पूरा घुमाने के लिए मैं जा रहा हूँ राजीव। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और है ना अभी सुबह का टाइम जा रहा हूँ, तो गाड़ी इतना गाड़ी है, धूल धड़क का भयंकर है ना, धूल धड़क का है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा प्लेस दिखाने के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं राजीव, दिखाएंगे सब कुछ। तो अभनपुर में देखो गाड़ी राजीव की ओर जा रहा है, देखो ये राजीव की ओर जा रहा है, रायपुर से राजीव की ओर जा रहा है गाड़ी। और इस तरफ से जो गाड़ी जा रहा है वो धमतरी की ओर जा रहा है, और अभी मैं जाऊंगा राजीव। अभी फ़िलहाल अभनपुर में हूँ मैं, यहाँ पर है ना अनु की मम्मी निशांत बाबू को भी पानी पिलाएंगे, बैग से पानी बोतल निकाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ पर 2 मिनट रुकेंगे, उसके बाद फिर राजीव के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों देखो अभी है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो राजीव 14 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट है, चंपारण 23 किलोमीटर, और अभनपुर अभी छोड़ के आया हूँ 2 किलोमीटर पीछे है। तो सीधा चलेंगे, जैसे आप सीधा जाओगे तो राजीव है, और जस्ट ऐसा राइट मुड़ मतलब लेफ्ट मुड़ जाओगे तो है ना चंपारण है। तो सीधा चलते हैं, अभी देखो यहाँ पर है ना छोटा मोटा यहाँ पर बस्ती है ये। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ राजीव मेला। तो देखो पूरा अभी है ना लोग अभी भी है ना बहुत भीड़ है यहाँ पर राजीव मेले में। तो देख दिखाएंगे राजीव मेला, घुमाएंगे। आज का है ना ब्लॉग बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज मैं आया हूँ राजीव, पूरा राजीव मेला घुमाऊंगा आप लोगों को है ना, क्या क्या है, कैसा दुकान है, और यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलेगा। लोगों की संख्या तो देख रहे हो आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, जाएंगे। देखो यहीं से है ना दुकान वगैरह स्टार्टिंग है, और सामने देखो लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला के ऊपर भी चढ़ेंगे पूरा। देखो तीन नदियों का संगम, राजीव मेला कहते हैं इसको, देखो। मुर्रा मिक्सचर मिठाई का दुकान भी यहाँ पर लगा हुआ है,
तो आगे भी दिखाएंगे। देखो लोगों की संख्या, देखो यहाँ पर ना लोगों की संख्या एकदम चकाचक भरा है। आज भी 19 तारीख है लेकिन मेला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरा वीडियो आने में बहुत देर हो चुका है, फिर भी मैं आज आपको पूरा घुमाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा राजीव मेला घुमा के। यहाँ पर टेडी का दुकान लगा हुआ है, टेडी वगैरह का भी दुकान लगा हुआ है। यहाँ पर गुजिया, गुजिया बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, देखो देखो रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी सब है दुकान में, है ना, वैरायटी भर भर के है। रेट का है सब, ये 50 है सर। देखो कितना सुंदर कान्हा जी का मूर्ति, यहाँ पर भी देख लो 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये। यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको साईं बाबा है। यहाँ पर बच्चों का खिलौना, देखो बच्चों का गाड़ी भी यहाँ पर है ना, मेले में बच्चों का गाड़ी। यहाँ पर देखो बैग वगैरह भी देख सकते हो, मेले में संख्या, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है अभी भी। देखो बैग 100 रुपये बैग मात्र है। यहाँ पर बहनी मन खरीद रहे हैं, देखो अलग 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 के भाई बेच रहे हैं यहाँ पर मेले में। देख लो भीड़ देख लो आप। तो दोस्तों मेला में है ना बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत सारे दुकान लगे हैं यहाँ पर। खाने पीने का हर एक सामान मिल जाएगा, खाने पीने का, कपड़ा, क्लॉथ, सब, जूता, चप्पल, खिलौना, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा है ना दुकान पूरा लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। और लोगों की संख्या धीरे 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 करके बढ़ रहा है। अभी है ना शाम 5 बजने ही वाला है और देख सकते हो आप पूरा है ना मेरे पीछे, आगे पीछे, चारों तरफ लोग ही लोग है और सब लोग है ना मेले के इंजॉय के लिए आते हैं। राजीव मेला मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नंबर पे राजीव मेला और शिविर नंबर दूसरा नंबर पे शिविर नारायण मेला आता है। और मैं अभी पहुंच चुका हूँ राजीव मेला, पूरा आपको घुमा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसा क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं, खरीदी करते हैं, मेला का आनंद लेते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मेला है। देख सो 3 नदियों का संगम कहा जाता है यहाँ पर, त्रिवेणी संगम कहा जाता है ये मेला को। तो दोस्तों अभी है ना सामने लक्ष्मण झूला दिख रहा होगा आपको, अभी मैं लक्ष्मण झूला के ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे है ना लोग इकट्ठा होते हैं, मेला का एंजॉय लेते हैं। राजीव मेला सबसे बड़ा मेला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेले में से एक माना जाता है। और देख लो सामने है ना लक्ष्मण झूला है, जाएंगे इस तरफ भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरफ भी देख लो लोग है ना मेले में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो वहाँ पर छोटा सा एक झूला, वहाँ पर बच्चे लोग वहाँ पर झूले का भी एंजॉय ले रहे हैं। देख लो लोगों की संख्या दिन ब दिन धीरे 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 करके बढ़ रहा है यहाँ पर ना। अलग अलग खाने पीने का हर एक आइटम आपको मिल जाएगा मेले में। सामने दिख रहा होगा आपको लक्ष्मण झूला, उसके ऊपर चढ़ेंगे अभी। जय भूलोक नरक लोक, देख लो यहाँ पर है ना मेले में बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। देखो नरक लोक आपको साक्षात है ना जीवित रहते हुए आपको दिख जाएगा नरक लोक। आप जिंदा हो और नरक लोक जाना है तो जा सकते हो। देखो जिंदा रहते हुए यहाँ पर ये यम है हम। देख लो यहाँ पर लोग है ना जा रहे टिकट काट के अंदर। छोटे बच्चों को देख लो यहाँ पर है ना गाड़ी, और इसी के बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग। आपको अगर जिंदा रहे तो ये हम लोग जाना है तो जा सकते हो। जाए भू लोग नरक लोग यहाँ पर मेले में देख लो पूरा है ना शाम शाम का नज़ारा आपको दिखा दे रहा हूँ। शाम शाम का नज़ारा देख लो आप। तो यहाँ पर भी देख लो यहाँ पर शिव धाम, यहाँ पर आप जा सकते हो। और टिकट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, टिकट है, टिकट घर है, मात्र 10 रुपये टिकट है। देखो टिकट घर है, देख सकते हो ये भी है ना यहाँ पर शिव धाम मेले में। शिव धाम का यहाँ पर आप जा सकते हो अंदर। तो मैं टिकट काट लिया हूँ, अभी जाएंगे शिव धाम जाएंगे है ना, देख सकते हो शिव धाम। यहाँ पर भी देखो पूरा बना हुआ है माँ दुर्गा का बना हुआ, यहाँ पर माँ दुर्गा शेरावाली, यहाँ पर स्नेक बना हुआ है, देख लो प्रवेश द्वार।
हम लोग आ चुके हैं शिव धाम। ये शिव धाम देखो, नजारा देख लो आप। राम भजन का यहाँ पर बना हुआ है पूरा, देखो श्री राम हनुमान जी यहाँ पर राम भजन का बना हुआ है, देख लो आप, बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये पूरा बना हुआ है, देख लो आप, झांकी टाइप का बना हुआ है राम भजन का। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ही बना हुआ है राम श्री राम जी का, माता सुमित्रा कौशल्या यहाँ पर पूरा बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ देख सकते हो, यहाँ पर मूर्ति पूरा बना हुआ है, यहाँ पर झांकी का स्वरूप दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो शंकर तांडव यहाँ पर बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है शंकर तांडव। देखो मेले में बहुत ही सुंदर झांकी वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर पानी गिर रहा है ऊपर से, ऊपर से यहाँ पर पानी गिर रहा है, देख लो आप, यहाँ पर ऊपर से पानी गिर रहा है। और यहाँ पर बना हुआ है शंकर तांडव, आप देख सकते हो शंकर तांडव। तो दोस्तों अभी है ना देखो लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ेंगे, लक्ष्मण झूला है देख लो, ये पूरा लक्ष्मण झूला है राजिम में है ना, लक्ष्मण झूला देख सकते हो आप। अभी लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ेंगे सब लोग है ना, यहाँ पर मेले के आनंद के लिए आए हैं बहुत सारे है ना लोग, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए है। आज 19 तारीख है, आज है ना मतलब लास्ट कल था लेकिन आज मैं आया हूँ, आज भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं लक्ष्मण झूला दिखाएंगे पूरा आपको। तो अनु की मम्मी पहले जा रही है, देखो अनु की मम्मी पहले जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर भी जा रही है। यहाँ पर टिकट लेना पड़ रहा है देखो लक्ष्मण झूला पे चढ़ने के लिए, यहाँ पर टिकट यहाँ पर लेना पड़ रहा है, मैं भी ले चुका हूँ टिकट, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यटक पर्ची। छोटे छोटे मन बड़े बड़े मन सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग राजिम मेला घूमने आए हैं। अनु की मम्मी आप कहाँ आए हो? अनु की मम्मी राजिम मेला घूमने आए हैं, देख लो ये पूरा राजिम मेला। लक्ष्मण झूला के ऊपर अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, निशांत बाबू को अकेला अकेला छोड़ दिया अनु की मम्मी ने, देखो ये देखो निशांत बाबू अकेला अकेला जा रहा है लक्ष्मण झूला के ऊपर से, देखो ये पूरा लक्ष्मण झूला है। इधर भी है ना दुकान पाट लगा था लेकिन अभी है ना शायद बंद हुआ हो गया होगा, इस तरफ भी। तो शाम का नज़ारा है देख लो, नीचे है ना मेला पूरा, दुकान वगैरह लगे हैं यहाँ पर, और इधर ऊपर लक्ष्मण झूला के ऊपर मैं अभी हूँ। तो अभी जाएंगे उस पर भी दिखाएंगे आप लोगों को क्या है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर है ना लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ने के लिए टिकट वगैरह भी लेना पड़ता है, टिकट लिया हूँ, टिकट का कोई चार्ज नहीं है, टिकट फ्री चार्ज है। तो फ्रेंड अभी मैं फ़िलहाल लक्ष्मण झूला के ऊपर हूँ, अनु की मम्मी भी है और निशांत बाबू उसका बुआ के गोद में है, अनु की मम्मी इतना टाइम तक निशांत बाबू को लिए हुए थे। देख सकते हो लक्ष्मण झूला भी यहाँ पर है ना, बहुत है ना बढ़िया है लक्ष्मण झूला राजिम मेले में। लक्ष्मण झूला झूले के ऊपर अभी हम लोग नीचे का नज़ारा देख लो, दिखा देता हूँ आप, तो पूरा ये मेला पूरा दुकान लगा हुआ देख सकते हो, पूरा दुकान लगा है लक्ष्मण झूला के ऊपर भी बहुत सारे है ना लोग यहाँ पर, देख लो शाम शाम के समय आए हैं घूमने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग आए हैं 19 तारीख को, मतलब हम लोग को लगा था कि मेला ख़त्म हो गया होगा शायद, क्योंकि 5 तारीख से 18 तारीख तक मेला का डेट था, लेकिन हम लोग 19 तारीख को आए हैं क्योंकि मेरा छुट्टी नहीं रहता, संडे छुट्टी रहता है, बीच में संडे जो था वो मैं ड्यूटी गया था, और जैसे मतलब प्राइवेट जॉब है जैसे मर्जी आप छुट्टी कर सकते हो, इसलिए ना अनु की मम्मी को भी उनको भी आना था मेला है ना पखंजूड़ मेले में भी उनको मैं लेके गया था, लेकिन उसका वीडियो मैं खुद अकेला बनाया था, इनको मतलब नहीं दिखाया था। और अभी है ना राजीव मेला इनको लेके आया हूँ, दीदी भी आई है और निशांत बाबू भी, दोनों आए मतलब सबको लेके आया हूँ यहाँ पर। अनु बेटी तो फिलहाल गाँव में रहती है, पढ़ाई कर रही है, अगले साल उसको लेके आऊँगा, अगले साल उसको राजीव मेला घुमाने के लिए लेके आऊँगा। तो इस साल है ना मैं अपने सिस्टर को और अनु की मम्मी को और निशांत बाबू को घुमाने के लिए लाया हूँ राजिम मेला, मेरा भी एकदम फर्स्ट है ये, मतलब आज तक मैं पखंजूर मेला ही जानता था और नाम सुना था राजिम मेला लेकिन कभी आया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। और आप लोगों के लिए
मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आपको भी हम बहुत सारे है ना मेरे व्यूवर्स हैं ना, उन लोग बोलते हैं कि राजीव मेला नहीं देखे होंगे तो मेरे वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। देखो मैं पूरा लक्ष्मण झूला के ऊपर चलते जा रहा हूँ और आपसे बात करते जा रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मण झूला कैसा लगा होगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और राजीव मेला घूम के आप लोगों को कैसे लग रहा होगा ये भी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कॉमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को वीडियो बनाने का मोटिव जो है ना वो बढ़ जाता है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ा हूँ, इस पार से उस पार जाऊँगा, फिर उधर भी है ना बहुत सारे ना दुकान वगैरह झूला वगैरह लगे हैं वो भी मैं दिखाऊँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा और एक बूंद भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप पूरा मेले का एंजॉय नहीं ले पाओगे। तो चलिए आगे भी दिखाएंगे आगे क्या है। ये देखो भाई है ना कैसे, ये देख मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग भी है ना लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ के मस्त इन लोगों का है ना एंजॉय ले रहे। देखो झूला पूरा झूल रहा है, देखो झूला रे झूला रे झूल, मैं भी झूल रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 कैसा लग रहा है बताओ अनु की मम्मी लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़कर। हाँ तबीयत तो फाइनली हम लोग अभी लक्ष्मण झूला से उतर रहे हैं। लक्ष्मण झूला बहुत ही लंबा है और है ना पूरा हिल रहा था, तो अनु की मम्मी को भी डर लग रहा था कि इतना हिल कैसे रहा है। अनु की मम्मी ऐसा लग रहा था कि हम लोग गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है ना मजबूती से बना हुआ है। यहाँ पर भी देखो दीवार में कितना सुंदर बना हुआ है राम, ये हनुमान का भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है देख सकते हो आप। अभी चलेंगे राम का दर्शन करने के लिए ऊपर है ना, राम भगवान का मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति बना हुआ है ऊपर। तो देखो यहाँ पर भी है ना बहुत सुंदर है, हमने गेट में ही चित्र बना हुआ है, तो ऊपर चलेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो राम भगवान का मूर्ति बना हुआ है, देख लो कितना विशाल का है मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बना हुआ है। देख लो पूरा राम जी का चरणों का आशीर्वाद ले लेते हैं, पूरा यहाँ पर बना हुआ है राम भगवान का। राम का दर्शन पाएगा निर्मल मन में ना जाएगा, नाम का दर्शन पाएगा निर्मल मन के हे राम। तो दोस्तों अभी है ना मैं श्री राजीव लोचन मंदिर ट्रांस कमेटी राजीव यहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ, मंदिर प्रांगण में आ चुका हूँ। तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं, ये देखो मंदिर का बाहर का नज़ारा अंदर दिखाएंगे, भगवान को दर्शन कराएंगे, श्री राम जी का दर्शन कराएंगे। देख लो बाहर का नज़ारा देख लो अब, श्री राजा राज जगतपाल जी, श्री हनुमान जी का मंदिर देख लो यहाँ पर, और इधर भी है ना बहुत सारे है ना देख लो, यहाँ पर भी प्रसाद वगैरह यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रति नग 10 रुपये देख लो यहाँ पर प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है। पूरा ये मंदिर प्रांगण है, अभी अंदर जाएंगे, प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर चलते हैं भगवान का दर्शन कराते हैं आप लोगों को, राजीव लोचन मंदिर अंदर चलेंगे अभी। दिया जा रहा है देखो संत बाबू को, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं देख सकते हो आप।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भी भीड़ है, धीरे धीरे चलेंगे, किसी को चोट ना लगे, भगवान का दर्शन करेंगे। यही से है ना, शुरू करते हैं। Thank you.